दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 254 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं सी गॉड को, जो कि क्वीन रेंक्सू की अटैक को पूरी तरह से डिफेंड कर रहे होते हैं। तब क्वीन रेंक्सू कहती है, ये तो बस सी गॉड की डिवाइन स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह मुझे टेंशन को जान से मारने से रोक रहा है। इधर सी गॉड की स्पिरिट कहती है, अगर तुम चाहो तो उसको मारने के लिए ट्राई कर सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अब सी गॉड के स्पिरिट और क्वीन रेंक्सू दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्वीन रेंक्सू परेशान होकर के अपनी डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करती है और सी गॉड के स्पिरिट को मारने के लिए कई सारे क्लोन को क्रिएट कर देती है। ये देख कर के सी गॉड के स्पिरिट अपनी ट्राइडेंट का पहला टेक्निक अनफिक्स्ड स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है और एक साथ क्वीन रेंक्सू के सारे क्लोन के अटैक को पूरी तरह से डिफेंड कर देता है। इधर टेंशन महसूस कर रहा होता है, क्वीन रेंक्सू की पावर सी गॉड के डिवाइन स्पिरिट से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी सी गॉड के डिवाइन स्पिरिट ने सी गॉड के पहले अटैक का इस्तेमाल करते हुए क्वीन रेंक्सू के सारे अटैक को एक बार में ही डिपेंड कर दिया है। इसके अलावा ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सी गॉड के स्पिरिट ने अपनी बॉडी को ट्राइडेंट के साथ एक साथ कंबाइन कर दिया है। इधर हम देखते हैं कि सी गॉड के डिवाइन स्पिरिट अपना अगला अटैक लॉन्च करता है। इसकी वजह से देखते ही जमीन के अंदर से बहुत बुरी तरह से सुनामी आ जाती है। इधर सी गॉड के स्पिरिट उस सुनामी को सीधा क्वीन रेंक्सू के ऊपर टारगेट कर देता है। अब क्वीन रेंक्सू उस सुनामी से बचने के लिए अपनी डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करती है, पर फिर भी हम देखते हैं कि वो उस सुनामी में खो जाती है। इधर टेंशन की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है, वो सी गॉड के स्पिरिट से कहता है, सी गॉड मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया है। इस पर हम देखते हैं कि सी गॉड के स्पिरिट टेंशन को हिल करते हुए कहती है, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया है। तभी हमें दिखाते हैं कि क्वीन रेंक्सू से फाइट करने की वजह से सी गॉड के स्पिरिट डिसअपीयर्ड होने लगता है और डिसअपीयर्ड होने से पहले टेंशन से कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी ही सी गॉड को इन्हें रेप कर लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब टेंशन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि सी गॉड ट्राइडेंट की हाथ तो डिस्ट्रॉय हो गई है। वही ऐसा होने के बाद तुरंत महसूस होता है, अब सी गॉड ट्राइडेंट के अंदर की हाथ खत्म हो गई है, इसलिए वो जल्दी से श्रेक डेविल्स के पास पहुंचने के लिए वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के समुद्र के किनारे श्रेक डेविल्स के ऊपर आ जाता है। वही हम देखते हैं कि इस जगह पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, मोटो को भी ठंड लग रही होती है। इसके अलावा जिबू को ऐसा लगता है कि टेंशन खतरे में है। इधर क्वीन रेंक्सू जमीन के अंदर से ही अपना डिवाइन पावर का फिर से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। तब तक हम देखते हैं कि श्रेक डेविल्स भी समुद्र के किनारे कुछ नोटिस कर लेते हैं। इस पर हमें दिखाते हैं कि टेंशन वहाँ पर पहुँचते ही सभी को कहता है, जल्दी से मेरे पास आओ, यहाँ से जल्दी से निकलना है। ये सुनते ही सारे श्रेक डेविल्स तुरंत ही टेंशन के पास चले जाते हैं। तब टेंशन अपनी वेस्ट सी बैरियर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वही हम देखते हैं कि अब क्वीन रेंक्सू भी समंदर के किनारे पहुँच गई होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए टेंशन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे टेंशन नहीं मिलता है तो तब वह सोचते हैं, टेंशन जब तुम सी गॉड बन जाओगे तब हम लोग अपनी इस लड़ाई को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ताकि मैं ये जान सकूं आखिर में सी गॉड पावरफुल है या फिर एंजल गॉड। इधर टेंशन वेस्ट सी बैरियर के अंदर सभी श्रेक डेविल्स के साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। तभी मोटो कहता है, टेंशन मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि तुम कुछ ही दिनों के अंदर एंजल गॉड से फाइट भी की है और उसकी हाथों से बच कर के यहाँ भी चले आए हो। इस पर टेंशन बताता है, भले ही मेरी जान बच गई है, लेकिन उसके बदले में सी गॉड का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुनकर के डाई मुबई कहता है, क्या होगा अगर क्वीन रेंक्सू जेली गेट पर चली जाए। इस पर टेंशन कहता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, क्वीन रेंक्सू मुझसे फाइट करते समय जिन गलतियों को कर रही थी वो उनको दूर करने की कोशिश करेगी, इसलिए मेरे ख्याल से क्वीन रेंक्सू के लिए टियांडो और जिया गनलू एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। इसके बाद टेंशन अपने हाउशन हैमर के सारे सोल रिंग को दिखाता है और उसी के साथ ही कहता है कि मेरे हैमर में अभी भी एक सोल रिंग की कमी है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि सी गॉड के 8th टेस्ट को कम्प्लीट करने से पहले मैं अपनी हाउशन हैमर में लास्ट सोल रिंग को भी पूरा करना चाहती हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग डीप सी डेमोनिक वाले किंग के एरिया में जाने के लिए अपनी जहाज का यूज करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसकी दूसरे पार्ट चाहिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।